मनवानी जिला के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मलफा के रोजगार सहायक प्रवीण सोलंकी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसी जानकारी छिंदवाड़ा जिला के सभी रोजगार सहायकों ने बताई है। रोजगार सहायकों ने जानकारी में बताया है कि पंचायत के अत्यधिक कार्य के दबाव के कारण हमारे रोजगार सहायक प्रवीण सोलंकी ने फांसी लगा ली है। आज हम सभी रोजगार सहायक सचिव ने मिलकर जनपद पंचायत सीईओ चौरी तरुण रंगडाली को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि स्वर्गीय प्रवीण सोलंकी के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि रोजगार सहायकों के कार्यों का विभाजन किया जाए। उन्होंने आगे बताया कि विभागीय कार्य के अलावा पंचायत में अन्य कार्य भी शासन द्वारा कराए जाते हैं। ऐसे 12 बिंदु बार रोजगार सहायक सचिव ने ज्ञापन के माध्यम से शासन से मांग की है। आज ग्राम रोजगार सहायक प्रदेश संगठन के आह्वान पर रोजगार सहायक संगठन जनपद पंचायत चौरई ब्लॉक अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में समस्त रोजगार सहायक द्वारा हमारे बड़वानी जिला के मालफा ग्राम पंचायत में एक रोजगार सहायक द्वारा अधिकारी एवं शासनिक प्रशासनिक तंत्र के द्वारा मानसिक तनाव में आकर ग्राम पंचायत भवन में आत्महत्या कर ली गई है। हमारी शासन प्रशासन से समय रहते उचित मांग है कि हमारे रोजगार सहायक की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, उसे तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए और उसकी न्यायिक जांच कराई जाए, जिससे हमारे साथी को पूरे प्रदेश में एक ही नहीं है, ऐसे कई घटनाएं हमारे रोजगार सहायक के साथ आए दिन हो रही है। इसलिए मैं समस्त शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि रोजगार सहायक संगठन जो मानसिक तनाव से गुजर रहा है उसको कम करने के लिए हमारी कुछ मांगे शासन के समक्ष हमने रखे थे। पूर्व में मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा हमारी घोषणाएँ भी की जा चुकी है 2023 में। इससे मैं महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे मांगों पर उचित निर्णय लेते हुए हमारी मांगों को तत्काल पूरा किया जाए। अगर यह मांगे हमारी पूरी नहीं हो जाती है तो प्रदेश संगठन के आह्वान पर पूरा रोजगार सहायक संगठन मध्य प्रदेश तत्काल समय रहते हुए हड़ताल पर चला जाएगा अनिश्चित। धन्यवाद। NBC न्यूज़ के लिए चौरई से राजेश उइके की रिपोर्ट।